हेलो नमस्ते सर, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं मैनिक बाइक। आज अपन एरॉक्स का रिव्यू करने वाले हैं और ये बाइक मुझे रायमोन कंपनी ने प्रोवाइड करी है। आपको यहाँ में कोई प्रोजेक्ट नहीं, आप यहाँ आ सकते हो। शुरू का डिटेल्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। आपको यहाँ में कोई प्रोजेक्ट नहीं, आप आ सकते हो और आप टेस्ट राइड बुक कर सकते हो या फिर कुछ भी। आप यहाँ पर इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। और यहाँ पे एरॉक्स है तो रिव्यू शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं वॉकअराउंड दे देता हूँ बाइक स्कूटी का, स्कूटर का। तो सबसे पहले मैं स्कूटर का एक्सट्रीम प्राइस बता देता हूँ। 1,48,600 रुपीज़ का एक्सट्रीम प्राइस है यहाँ पे। अगर आपको आपने का प्राइस जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका प्राइस में बता दूँगा कमेंट के जरिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हेडलाइट से शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे LED DRL से देख सकते हो दोनों साइड पे। और अगर आप इसका फेस ध्यान से देखोगे तो इसका जो फेस है वो आपको जो R3 था पुराना वाला, उसका जो फेस है उसके कैसा रहेगा। इसका जो हेडलाइट से रहेगा वो पूरा R3 से R3 का एक उसको रिमेंबर करके ये बनाया गया इसका फेस, आप देख सकते हो। और एक मैक्सी स्कूटर है, साइड से देख लो, ठीक है। एक मैक्सी स्कूटर है। यहाँ पे आपको नया पेट होल्डर मिलेगा, तो नया पेट होल्डर यहाँ पे नया पेट लगा सकते हो। यहाँ पे यामा का लोगो, यहाँ पे एक विंडस्क्रीन है जो आपको रेजर में मिलता है, आप देख सकते हो वो रहा। ये देखो ये वाला विंडस्क्रीन देख सकते हो, तो यही वही है, ठीक है। तो ये वाला वही है देख सकते हो। यहाँ पे आपको एरॉक्स का स्टिकरिंग मिलेगा, एरॉक्स यहाँ पे यामा का। यहाँ पे आपको फुल LED हेडलाइट मिलेगा, ये दोनों LED है, यहाँ पे DRL भी LED है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, इंडिकेटर देख सकते हो। ये यहाँ पे इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ पे इसका जो इंडिकेटर है वो अंदर है, यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको ABS का स्टिकरिंग मिलेगा। यहाँ पे जो मडगार्ड है वो ग्रे एंड ब्लैक में है। यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा फ्रंट डिस्क के साथ। अगर फ्रंट डिस्क की बात करें तो 230 mm का डिस्क है। यहाँ पे ABS का रिंग देख सकते हो। और फ्रंट टायर 100x10 80x140 का फ्रंट टायर है। यहाँ पे ट्यूबलेस टायर है अलॉय के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप जो रियर गार्ड वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। मिरर्स यहाँ पे VVA का स्टिकर, यहाँ पे एरॉक्स का बड़ा सा स्टिकर, ठीक है। और अगर इंजन की बात करें, ठीक है, तो ये 155 cc लिक्विड कूल्ड VVA इंजन है। और अगर पावर फिगर्स की बात करें तो 15 PS का पावर प्रोड्यूस करती है और 13.9 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है स्कूटर, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, देख सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का जो कवर है वो जो कीचड़ वो कीचड़ अंदर नहीं जाएगा, इसलिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गार्ड है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन सस्पेंशन थोड़ा और अगर मोटा होता, थोड़ा ज़्यादा मोटा तो अच्छा होता, ठीक है। यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन सस्पेंशन 26 mm का यहाँ पे सस्पेंशन मिलेगा आपको, 26 mm का सस्पेंशन है फ्रंट वाला। रियर में आपको डुअल सस्पेंशन मिलेगा दोनों साइड पर, देख सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट्स दिखा रहा था मैं, टेल लाइट जो LED है, लेकिन यहाँ पे जो टर्न सिग्नल है वो हैलोजन है। हाँ, एक्सरसाइज के टाइम पे आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप LED लगवा सकते हो, आप LED आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट है वो यहाँ पे हैलोजन है। यहाँ पे यहाँ पे होल्डर, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, ठीक है। इस साइड में आता हूँ मैं। यहाँ पे आपको जो रियर फुट पैक है वो, और यहाँ पे एक मैक्सी स्कूटर है, तो यहाँ पे जो राइडर का पैर है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर बात देखा तो कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो 155 cc लिक्विड कूल का स्टिकर यहाँ पे है यामाहा। यहाँ पे भी आप 155 cc देख सकते हो, ठीक है। एग्जॉस्ट देख सकते हो, एग्जॉस्ट काफ़ी बड़ा है और एग्जॉस्ट का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एक बाइक के ज़्यादा एग्जॉस्ट है यहाँ पे। और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एग्जॉस्ट का एग्जॉस्ट जैसा लगता है। एग्जॉस्ट का एग्जॉस्ट है नहीं, लेकिन मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, ठीक है। अगर रियर टायर की बात करें तो 140x70x40 का यहाँ पे टायर आप देख सकते हो, ठीक है। ट्यूबलेस टायर है दोनों टायर पे। यहाँ पे रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा,
भैया हमें ड्रम ब्रेक मिलेगा, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो रेयर फूड पैक है वो यहाँ पे रेयर फूड पैक आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको रेडिएटर मिलेगा, लिक्विड कूल इंजन है। तो लिक्विड आपको मैं कूलर दिखा नहीं सकता, वो अंदर है, अगर बाहर तो मैं आपको दिखा देता। तो यहाँ पे इसका अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये स्कूटर और तीन कलर्स में आता है। ये एक है ब्लैक कलर में, एक है आपका जो रेड कलर में जिसका एलॉयज आपका ऑरेंज और स्कूटर है वाइट है, ठीक है। और एक है रेसिंग ब्लू, जो यामा का जो आइकॉनिक कलर है वो रेसिंग ब्लू में ये स्कूटर आता है। तो तीन कलर में स्कूटर अवेलेबल है और इसका कोई वेरिएंट नहीं है, एक ही वेरिएंट, सिंगल वेरिएंट डिस्क के साथ। और ये बाइक, ये स्कूटर देख सकते हो आप यहाँ से। और आपको मैं यहाँ पे इंडिकेटर चला के दिखा दूँगा, ये इंडिकेटर यहाँ पे हो गया, लेकिन आप सामने का इंडिकेटर चेंज नहीं करते, वो इंडिकेटर है, ठीक है। और अगर माइलेज की बात करें तो स्कूटर 48 km तक का माइलेज देगा सिटी में, और हाईवे पे आपको 42 का माइलेज दे देगा स्कूटर, ठीक है। तो अगर हम स्कूटर ले सकते हो क्योंकि ये स्कूटर मैक्सी स्कूटर है और ये लिक्विड कूल इंजन के साथ आता है। और एक और स्कूटर है इसके सेगमेंट में, वो 160 का एप्रिलिया है, लेकिन वो एयर कूल्ड इंजन के साथ आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉर्न लगा हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है। तो इस सेगमेंट में ये सबसे पावरफुल स्कूटर अभी तक है। इसमें आपको VVA इंजन मिलता है जो R15 में आता है, MD15 में आता है, वो इंजन आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर आप चाहो तो स्कूटर ले सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये सब की दिखा देता हूँ मैं। की आपको जो यामा की वो नहीं है, वो की नहीं मिलता, लेकिन की थोड़ा डिफरेंट है। इसका बाइक का जो फोकस ले लो तो ये की देख सकते हो आप, तो की थोड़ा अलग है, इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, देख सकते हो। तो ये की नॉर्मली किसी यामा के बाइक के स्कूटर में नहीं मिलता, किसी वैराक्स में मिलता है। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने ये लगाया, इसको ऑन किया तो फ्यूल का खुल जाएगा, फ्यूल दबा और ये खुल गया। ये फ्यूल का देख सकते हो, यहाँ पे फ्यूल कर सकते, फ्यूलिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर सीट खोलना है तो इसको ओपन में रखो और सीट दबा दो, तो सीट खुल गया। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको 24.5 का जो स्पेस यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे आप एक्सेल साइज़ का एक फुल हेलमेट यहाँ पे घुसा सकते हो। अगर देखते हो YT कनेक्ट यामा का, इसमें आपको YT कनेक्ट मिलता है, जो वाई कनेक्ट ऐप है यहाँ का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये स्कूटर आता है। एक और चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड टाइप का, ऐसे खोल सकते हो। यहाँ पे USB चार्जर का पोर्ट है, आप देख सकते हो, ये देखो। और यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, स्पेस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसको ऐसे लगा और ये पुश कर दो, ये लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच गियर दिखाता हूँ मैं, ये इसका हाई बीम इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। इसका हाई बीम इंडिकेटर, ये देखो इसका इंडिकेटर फ्रंट का, इसका हॉर्न, ये ऑन ऑफ साइलेंस आपके साथ आता है, मैं एग्जाम के बाद में सुनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फुल LED से हेडलैम्प मिलता है, हेडलैम्प भी LED में आता है। और यहाँ पे स्पीडोमीटर, ये देख सकते हो, जो पास का स्विच है, ये पास का स्विच नहीं है, इसे आप जो इसका जो मीटर कंट्रोल टॉगल कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ओडो, यहाँ पे RPM, फ्यूल टाइम, ठीक है। ऐसे मैं टॉगल करता हूँ, ये देखो दबाया, ये चेंज हो गया। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप टू, ट्रिप एफ, ठीक है। ऐसे आप फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज बैटरी वोल्टेज, ठीक ठीक है। यहाँ पे ऑयल, ठीक है, वी बेल्ट, ठीक है। अगर अभी इसका जो मैं स्टार्ट करके एग्जॉस्ट सुना था आपको, यहाँ पे देखो इसका जो लीवर्स है ये सिल्वर कलर में ले सकते हो आप, दोनों लीवर्स। मीटर वही है जो आपको MT में मिलता है या फिर स्ट्रीट रैली में मिलता है, वही मीटर है इसका। MT वाला मीटर, एक्सेल वाला मीटर, वही सेम मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलेटर है, यहाँ पे नॉर्मल रियर ब्रेक, फ्रंट ब्रेक, एग्जॉस्ट में सुना था आपका भी। स्टार्ट नहीं हो रहा है शायद, इसका जो कनेक्शन है वो नहीं है, मैं आपको जला स्टार्ट करके नहीं दिखा सकता। मैं ज़रा बात करता हूँ छोड़ो, मैं फिर दिखता हूँ स्टार्ट हो क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे ABS है, ब्लू कलर टीवी, मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ एक और चीज़। मैं ऑन किया, ऐप, यहाँ पे कॉल असिस्ट, यहाँ पे आपको हाई बीम, ठीक है। यहाँ पे हाई बीम, इंजन टेम्परेचर, ईमेल फंक्शन, ये यहाँ पे इंडिकेटर का सिग्नल, ये देखो इंडिकेटर,
यहाँ पर लेफ्ट इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लू कोर का जो ये है वो, मैं शोरूम से बात करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, एक सेकंड रुको, मैं शोरूम से बात करता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, और यहाँ पे यामा का जो मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप है वो, ठीक है। तो रुको मैं देखता हूँ बात करके। इसमें आपको साइड स्टैंड कटअप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, स्कूटर लेकिन साइड स्टैंड कटअप मिलता है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं खड़ा करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो इसको स्टार्ट करना भी नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर है, तो इसको स्टार्ट करना नहीं दिखा सकता। इसका जो एग्जॉस्ट होता है बाद में आपको सुना दूंगा एक और मैं जब वीडियो। तो इसका हाई बीम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइट में ज़्यादा के दिखाता हूँ, ये करो लो बीम करो, इसका लो बीम, ठीक है। अब एग्जॉस्ट उसमें सुना देता हूँ आपको। इसका एग्जॉस्ट नोट सुना दिया मैंने आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।